मेट्रो चालू होने से हुआ है या दोपहर का टाइम है इसकी वजह से इतना कम टाइम लग गया, डेढ़ घंटे। अभी मैं भिवंडी में हूँ और भिवंडी में इतने ट्रैफिक जाम है ना, आप देख सकते हो ये ट्रक खराब हो गया है और इसको खींचने का काम चल रहा है। आप देख सकते हो बीच अभी मैं दूसरे ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वैसे ही है, फुल ट्रैफिक जाम है दोनों की तरफ, नीचे और ब्रिज के नीचे भी और यहाँ पे भी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं, आप देख सकते हो ठीक से नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं कप परेड में हूँ और ये मुझे बुकिंग लगी थी कामोठा से, जो कि 45 किलोमीटर का राइड था। प्राइम ऑन करके मैं बैठा था पर कोई प्राइम में बुकिंग नहीं मिली, तो मैंने मिनी ऑन करके अभी ये कप परेड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। 1:20 लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए और 1:20 में मुझे 650 रुपये का अर्निंग दिया है और टोल अलग से है, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। मिनी के हिसाब से उन्होंने रेट दिया है। परसों मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपने देखा ही है कि उबर का मैंने 42-43 किलोमीटर राइड किया था, उसने मुझे 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उबर प्रीमियर का रेट दिया है, तो बहुत ही ख़राब रेट था। उससे अच्छा मिनी में ही अच्छा मिल गया ओला में, इसके लिए ओला चलाने में अच्छा लगता है। एक अच्छा देता है उबर, एक ख़राब राइड देता है, तो उसमें एडजस्टमेंट कर ही लेता है दिन भर का। तो ठीक है, अभी व्लॉग तो मैंने अपने घर से नहीं, फोर्ट से कप परेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अपने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और वहाँ से मैं अभी व्लॉग शुरू कर दिया है। और 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे आके पर कोई बुकिंग नहीं है। यहाँ का थोड़ा अपने को पता ही है कि यहाँ से जो बुकिंग आने का थोड़ा रेशो बहुत कम हो जाता है, मतलब जितना मुंबई की या फिर दूसरी जगह पर बुकिंग मिलता है तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा उसका फ्लो कम होते होते आता है। तो ठीक है, जो भी है आपको मैं बता दूंगा और जुड़े रहना एंड तक, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और लाइक करना और शेयर तो आपकी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको थोड़े देर के बाद, कहाँ की बुकिंग लगती है आपको बताऊँगा, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मीरा रोड पहुंच चुका हूँ और मुझे यहाँ पे आने के लिए 1:50 लग गए, 30 मिनट लग गए। तो ये मुझे बुकिंग लगी थी फोर्ट से और बहुत ही अच्छा लगा कि मैं जब से वहाँ फोर्ट से निकला हूँ तब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कहाँ भी ट्रैफिक नहीं लगी है। तो ये मेट्रो चालू होने से हुआ है या दोपहर का टाइम है इसकी वजह से इतना कम टाइम लग गया, डेढ़ घंटे में बराबर 50 किलोमीटर के लिए मैं पहुंच चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी की जो बुकिंग थी वो भी मिनी ही थी बुकिंग, ये प्राइम बुकिंग नहीं थी। और 50 किलोमीटर के लिए 740 रुपये दिया है मुझे, ठीक ही बोलूँगा। और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन था, जो ओला को मुझे पैसे देने थे वो भी पूरे कट हो गए। तो देखते हैं अभी जो भी इनकम अभी चालू हो जाएगा ना, वो मेरे खुद के अभी पैसे चलेंगे और मुझे कम से कम 3000 के ऊपर ही अर्निंग करना है। तो आपको ये बता रहा हूँ, देखते हैं कितना हुआ है अभी तक। ये 740 और पहले का 650 के हिसाब से, तो आप देखिए 1300 रुपये का अभी तक हो चुका है। देखते हैं अभी और भी कितना अर्निंग हो सकता है। तो दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, 3:35, आप देख सकते हो। अभी मुझे खाना खाना है और फिर अपने काम चालू कर देते हैं, तो अभी खाना खा लेते फिर अपना आगे का काम चालू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और कितना काम करेंगे तो आपको पता ही चलेगा। चलो खाना खा लेते, बहुत भूख लगी है, अभी बात करने की भी ताकत नहीं है। आपसे बात करते करते मुझे एक बुकिंग आ गई है, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पर चला जा रहा हूँ, भिवंडी का लोकेशन दिख रहा है। इसके पहले मुझे दो बुकिंग आ चुकी थी, एक फोर्ट की थी एक गोराई की थी, और दोनों भी सामने से कैंसिल हो गए। ये तीसरी बुकिंग है, अभी जा रहा हूँ 1 किलोमीटर से पिकअप करना है पैसेंजर को और भिवंडी ड्रॉप करना है, देखते कितना टाइम में पहुँचेंगे वहाँ पे।
और ये बुकिंग अभी मुझे प्राइम में लगी है, तो ठीक है चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। अभी मैं भिवंडी में हूँ और भिवंडी में इतने ट्रैफिक जाम है ना, आप देख सकते हो ये ट्रक खराब हो गया है और इसको खींचने का काम चल रहा है। आप देख सकते हो बीच मतलब मिडल ब्रिज के ऊपर हूँ मैं अभी एकदम। तो इसमें से रास्ता निकलना बहुत ही मुश्किल है, आप देख सकते हो। तो मुझे ये बुकिंग मीरा रोड से लगी थी भिवंडी तक, मुझे भिवंडी में 1.5 घंटा लग गया दिख रहा था आने के लिए यहाँ पे, पर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि भिवंडी में आने के बाद ये जो ब्रिज, ये आने के टाइम ये ब्रिज से आना था तो ये गाड़ी बंद पड़ी है, तो पूरा का पूरा ट्रैफिक नीचे के ब्रिज से जा रहा है। तो मतलब आप मुझे सब 7 किलोमीटर ही पैसेंजर को ड्रॉप करना था तो 1 घंटा लग गया उसके बीच में। आगे से घुमा के ले लो, बहुत हैवी ट्रैफिक है, इसमें से गाड़ी निकल रहा है मुश्किल हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे इसको हैंडल करे करके। बहुत हालत खराब हो रही है भाई, कैसा गाड़ी निकाले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ट्रैफिक ब्रिज पूरा जाम है। इसके लिए कभी भिवंडी में आने को दिल नहीं करता है भाई लोग, इतना ट्रैफिक जाम और ये ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हो कि हालत खराब है पूरी तरह से। पूरा ब्रिज जाम है, पूरा ब्रिज जाम है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे गाड़ी निकालने का, और ट्रैफिक पुलिस को भी कैसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको हैंडल किया जाए जब तक ये गाड़ी पीछे वाली जो आगे खड़ी है जिसको टोचन अभी लगाने वाले उसको नहीं निकालेंगे तब तक ये पूरा का पूरा ब्रिज जाम होने वाला है। ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको हैंडल किया जाए। निकल रहा हूँ धीरे धीरे, गाड़ी कैसे हालत खराब होती रहेगी आप समझ सकते हो। हालत खराब है, एकदम हालत खराब है आप देख सकते हो।
पूरा का पूरा ब्रिज जाम है, पूरा का पूरा ब्रिज जाम है। अभी यहां तक तो बाहर निकल गया हूँ, तो आपको मैं एक बोलना चाहता हूँ, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो गलती कर ली भिवंडी की बुकिंग लेके, पर आपको कभी ऐसा दिखाई दिए कि भिवंडी का बुकिंग है तो आप ही कैंसिल कर दो, या फिर उसको देख के उठाओ मत उस बुकिंग को, या फिर गलती से भी उठ गया बुकिंग आपका तो आपने पता चला कि ये भिवंडी का है तो भाई उसको तभी का तभी कैंसिल कर दो। यहाँ पे आना मतलब एक नंबर का मतलब टेंशन है, इतना बड़ा टेंशन होता है ना कि आप ना सोच भी नहीं सकते कि इतना टेंशन हो सकता है करके। अभी तक मैं आधे घंटे से ये ब्रिज पे अटका हुआ हूँ, जो पीछे था तब पता नहीं चल रहा था किस वजह से गाड़ी अटकी हुई है, पर जब मैं आगे आया तब मालूम पड़ा कि एक क्रेन एक ट्रक खराब हुआ है उसको खींच रहा है आगे, तो इतना अभी टाइम लग रहा है यहाँ से बाहर आना निकलने के लिए। और यहाँ से मैं अभी बुकिंग नहीं लूँगा, सीधा बाहर जाके ही बुकिंग लूँगा कल्याण बाईपास रोड के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बुकिंग लेके फ़ायदा नहीं है, और पैसेंजर को पिकअप करने के लिए और भी ऐसे और भी भीड़ है आगे तरफ, आगे की तरफ और भी भीड़ है मेन भिवंडी में। ये तो पीछे की साइड हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम रश होता है हर वक्त, पर मेन भिवंडी में तो और भी रश होता है, तो वहाँ पे तो आप सोचो जा ही नहीं सकते ऐसा है। तो इतना टेंशन आ रहा है कि अभी यहाँ से कैसे पहले बाहर निकले ये भीड़ में से, तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ये तो कन्फर्म है। चलो निकलता हूँ यहाँ से बाहर, फिर आपको मिलता हूँ, कितना टाइम लग गया मुझे बाहर निकलने के लिए ये भी बताऊँगा। अभी मैं दूसरे ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम कंडीशन वैसे ही है, फुल ट्रैफिक जाम है दोनों की तरफ, नीचे और ब्रिज के नीचे भी और यहाँ पे भी, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे। अभी ये दूसरा ब्रिज चढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी जाम हो गया है, आप देख सकते हो क्या हालत है। मुंबई में ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है, बहुत संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है, और इतने लोग रहते हैं आप देख सकते हो। भिवंडी जैसे एरिया में भी इतने लोग हैं। भिवंडी पूरा का पूरा एक बिजनेस हब है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे कपड़े के सामान, कपड़े का सिलाई या कपड़ा बनता है, या छोटे छोटे मशीन उसका काम यहाँ पे चलता है, बहुत सारा चीज़ बिजनेस सेक्टर है यहाँ पे। देखिए कितने लोग खड़े हैं, देख सकते हो आप, पूरा ब्रिज जाम है, पूरा का पूरा हालत एकदम ख़राब हो गई है, कैसे गाड़ी निकाले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कम से कम ये लोग आधे घंटे एक घंटे से रुके होंगे ब्रिज के ऊपर, स्टार्टिंग और एंड जहां से ब्रिज हो रहा है वहां तक पूरा का पूरा भीड़ है। आज का वीडियो पूरा का पूरा ऐसा होने वाला है जैसे कि समझिए आप कि 5-10 मिनट का वीडियो इस पे ही बनेगा, ये ट्रैफिक भिवंडी ट्रैफिक के ऊपर। आज का टॉपिक ऐसा डालना पड़ेगा भिवंडी में ट्रैफिक जाम देखो करके, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए 10 मिनट का। और इस ये देखिए ब्रिज के नीचे देखिए ट्रैफिक, मैं अभी ये ब्रिज के ऊपर हूँ और ये देखिए बड़े बड़े कंटेनर ट्रक नीचे की तरफ से आ रहे हैं, और बाइक वाले छोटा छोटा जगह मिला गया तो वहाँ से भी गाड़ी निकलते हैं, ऐसा है, एकदम छोटी छोटी जगह से भी गाड़ी निकालने का कोशिश करते हैं लोग।
चलो यहाँ से अपना आपको ना फ्री हो गया, अभी आगे जाके ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, इधर तो क्लियर कर दिया अपन ने, ऐसा यहाँ से तो क्लियर हो गया है पूरा, आपको क्लियर नहीं दिखता रहेगा क्योंकि कांच कांच का रिफ्लेक्शन और इसका रिफ्लेक्शन दोनों भी आ जाता है ना, तो ठीक से वीडियो नहीं दिखता है। आगे कांच है ना, कांच के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होके आगे कैमरे में आती है तो वीडियो ठीक से नहीं बनता, दिखना नहीं चालू होता। देख सकते हो अभी भी ट्रैफिक जाम है, लोग अभी भी उनको पता ही नहीं है कि ब्रिज उधर आगे क्या हुआ है करके। ब्रिज के ऊपर एक गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है जिसको क्रेन उल्टी तरफ से आके खींचने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। आपको जो भी दिखाने का कोशिश कर रहा हो, भिवंडी में ट्रैफिक जाम, हालत खराब। इतना देखो कितना दूर तक, ये कम से कम ब्रिज है ना 3 से 4 किलोमीटर का, 2 से 3 किलोमीटर का ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर पूरा ट्रैफिक जाम है। अभी आगे से मुझे लेफ्ट मारना है, लेफ्ट मार के अपन कल्याण बाईपास रोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था ट्रैफिक को, कम से कम 1-1.5 घंटे पहले ये सिचुएशन हुआ है यहाँ पे, अभी ये हुआ नहीं है ट्रैफिक, कम से कम 2 घंटे पहले ये ट्रैफिक जाम होना चालू हुआ था। चलो ठीक है, अभी यहाँ से तो निकल रहे बाहर, देखते अभी लोग उल्टे साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी निकलूंगा तो आगे फंसने वाला है गाड़ी, तो अपने आप लेफ्ट में रखेगा तो उतना ही अच्छा है। एक गाड़ी खराब हो गई, देखिए अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट मारना है, लेफ्ट मार के जाना पड़ेगा। यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये भिवंडी का ब्रिज का एक खासियत है ना, भिवंडी का ब्रिज ऐसा बनाया है जितना नीचे रोड है ना उतना ही ऊपर ब्रिज बनाया पैरलर, आप संगते दिख सकते हो, ये देखो ऊपर का, ये देखे ब्रिज कितना छोटा है और नीचे का रोड भी उतना ही छोटा है, उसके पैरलर उसी साइज का ब्रिज बनाया गया है, तो रोड और ब्रिज दोनों एक जैसे ही चलते हैं और यहाँ पे एक जैसे ही भीड़ होती है। अभी ट्रैफिक नहीं लगेगा ऐसा मुझे लगना चाहिए, पर क्या पता क्या हालत होगी। अभी पैर बहुत दर्द हो रहा है, कम से कम मैं 1.5 से 2 घंटे से ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ गाड़ी। कितना छोटा ब्रिज है देखिए, तो फ्रेंड आपने देखा मैं कैसे कैसे बाहर निकला हूँ ये ट्रैफिक से, तो इसका स्टोरी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। मैं मीरा रोड में था, मीरा रोड में खाना खाने के बाद मुझे एक बुकिंग लगी जैसे आपको मैंने बताया था भिवंडी के लिए, तो भिवंडी में ड्रॉप करते करते मुझे दिखाई दे रहा था 1.5 घंटे में आप पहुँचने वाले हो, 42 किलोमीटर का राइड था, मैं सही जा रहा था एकदम, मुझे सही टाइम पे मैं पहुंच रहा था, पर जैसे मैं भिवंडी के अंदर आया और ब्रिज से लेफ्ट मारा तो लेफ्ट मारते ही मुझे दिखाई दिया कि ट्रैफिक हो रहा है,
ब्रिज के ऊपर, तो मैंने एक काम किया, चलो ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक थोड़ा जाम है तो अपन नीचे से लेते और डीजल भी भरवा लेते हैं। तो तब तक इतना ट्रैफिक दूर तक चली गई थी कि मैं वो ब्रिज के ऊपर डाल नहीं पाया, तो अच्छा हो गया नहीं डाला, क्योंकि अगर ब्रिज के ऊपर डाल देता था तो आपने जैसे देखा कि कितना टाइम से गाड़ी खड़ी है, तो ब्रिज के नीचे से मैं लेके गया गाड़ी को और मैं उनको ड्रॉप किया, तो उस राइड का मुझे 735 रुपये मिला 42 किलोमीटर्स के लिए। पर ये 1.5 घंटे की राइड मुझे 2.5 घंटा लग गया कवर करने के लिए। और उसके बाद आपने जो भी हुआ सिचुएशन देख लिया है, और आपको तो पता ही है कि क्या ऐसे सिचुएशन में अपना हालत क्या होता है, इतना कितना हालत ख़राब हो जाती है। पीछे से लाइट आ रही है बाइक की, पीछे से लाइट आ रही है, पूरा का पूरा लाइट दिख रहा है। तो अपना हालत इतना ख़राब होता है कि क्या करे क्या नहीं। तो सिर्फ सुबह से मेरे 3 ही राउंड हो गए, 3 ट्रिप मैंने कवर की है, 3 ट्रिप में मैंने 1935 रुपये का अर्निंग कर लिया है। और शाम रात के अभी 8:30 बज चुके हैं, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचा था, और वहाँ से यहाँ आने तक मेरा 1 घंटा और भी चला गया। आपने पूरा का पूरा देखा है, जो भी वीडियो देखा आपने 10 मिनट का वीडियो देखा है, जो भी सिचुएशन था 7-8 मिनट का, पर ये इसके पीछे की बड़ी कहानी 1 घंटे की है। तो यहाँ पे कैसे कैसे पहुँचा हूँ अभी देखते हो, आगे का कुछ भी सिचुएशन रहेगा आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप भी उसके साथ रहना और पूरा आपका पूरा वीडियो देखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी।